दोस्तों वेलकम टू माय चैनल में स्वागत है। नवरत्नगढ़ पचमठा किला का जो वीडियो हमने पार्ट वन बनाया था वो उसका पार्ट टू आ गया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। उसमें एक सुरंग भी है जो 300 साल पुराना है, हम उसको दिखाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने यहाँ तक देखा था पचमठा किला का, हम पार्ट टू लेके आ गए हैं। वीडियो में बने रहिए अंत तक और वीडियो का एंजॉय कीजिए। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। दोस्तों ये सामने पुराना किला पचमठा पहाड़ी, ये सामने जो दिख रहा है होल, ये दरवाज़ा है जो पहाड़ के नीचे गया हुआ है, धस गया है अंदर। चार फ्लोर यानी पांच फ्लोर का बिल्डिंग था लेकिन चार फ्लोर नीचे गया, एक फ्लोर बाकी। आप लोग विजिट करें अपने आँखों से देखें, जिस तरह नवरत्नगढ़ में 9 फ्लोर का था, अभी तक वहाँ तकरीबन 5 फ्लोर नीचे जा चुका है, ठीक उसी तरह ये भी है। तो आइए हम अंदर का कुछ नज़ारा दिखाते हैं, चलिए अंदर चलते हैं क्या दिखता है। राजा दुर्जन शाह ने बोला था कि हम इसे एक रात के अंदर बाउंड्री करा देंगे। आप देख सकते हैं लगभग बाउंड्री करा चुका था, कुछ बाकी होने के कारण उसका, पहले के राजा तो ज़बान देते थे तो पक्का थे, नहीं पूरा होने के कारण बताया जाता है कि यहाँ के ग्रामीण लोग भी बताते हैं कि एक तालाब है ये सामने जो आपको दिख रहा है, इसी तालाब में उन्होंने कूद कर अपनी जान दी। ये तालाब नीचे नहीं है, पहाड़ के ऊपर है, टॉप चोटी पर। यहाँ एक चांद का होल बना हुआ है जो बताया जाता है यहाँ मन्नत मांगने से पूरा होती है, पता नहीं होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता है। ये देखिए राजू जी ट्राई कर रहे हैं, तो आप भी आके ट्राई कर सकते हैं। 5 या 7 कदम चलने के बाद उसे अपने हाथों से ढका जाता है, अगर ढक लेंगे आँख पे पट्टी बांध के तो आपका 20 पूरा होगा। आइए ये ट्राई करते हैं हम, गिनते 1, 2, 3, 4। ये रहा 5 और ये गलत हो गया, इन्होंने गलत जगह अपने हाथ को डाला है, तो आप देख सकते हैं। और ये आपको सामने पहाड़ के ऊपर एक सफ़ेद कलर का ये जो निशान दिख रही है जो हम दिखा रहे हैं आपको, बताया जाता है ये उसी तालाब से एक सांप निकला था और इस पे चलने के वजह से इस पे दाग बन गया था। तो एक बार विजिट कीजिए दोस्तों और देखिए। भालू भी आता है भाई, जो भी आए तो इसके ऊपर सेफ रहें, सतर्क में आए घूमने के लिए, ये नहीं कि आप लोग आ जाएं और घूमें। जानकारी आइए घूमने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन घूम सकते हैं, यहाँ पब्लिक आती है घूमने के लिए, लेकिन हिसाब से आए। ये जो सामने होल दिख रहा है ये बिल्डिंग का दरवाजा है जो भाई साहब बता रहे हैं, इस यहीं का ये बसिंदा है, यहाँ के नागरिक हैं इसी गांव का। इन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग 5 फ्लोर का पहले था, अभी 4 फ्लोर जो पहाड़ के अंदर चला गया है। तो दोस्तों एक बार विज़िट कीजिए और आकर देखें, बहुत ही खूबसूरत किला है दुर्जन शाह का, जो रात में यहाँ आके ठहरा करता था, सुबह रानी से मिलने के लिए नवरत्नगढ़ चला जाता था
और उसका सुरंग है जो पहाड़ के नीचे है। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, वीडियो लंबा होने के कारण। तो चलिए हम नीचे चलते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे और अभी वीडियो हम बंद करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी के साथ उतरना है, अगर नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो डायरेक्ट उस जगह पे जाके हम लोग गिरेंगे। इसके वजह से सीधा मिलते हैं हम आपसे फिर नीचे के तरफ। तो आइए चलते हैं। ये देखिए राजू कुछ आप लोग को बताना चाहते हैं, तो आइए इनकी बात को सुनते हैं। इस तरह से आप अपने जान को जोखिम में डाल करके ये वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह का पहाड़ी इलाका, यहाँ पे बताया जाता है कि भालू हाथी तरह तरह के जानवर भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो आप अपने जान की परवाह ना करते हुए लोगों को मनोरंजन देने के लिए यहाँ पे आए और वीडियो बनाए। तो इसके लिए मैं सारे दर्शकों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में आपको राजा का सुरंग देखने को मिलेगा। ऊपर से नीचे आ चुके हैं। तो गाइज अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक आप सेफ रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड टेक केयर, बाय एंड थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए।